तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जीएसटी में जब से ई कॉमर्स से रिलेटेड दो टेबल ऐड हो गए, टेबल 14 एंड 15, उसमें काफी कंफ्यूजन है लोगों को। और ई कॉमर्स दो प्रकार के हैं, इसके लिए तो मैंने डिटेल वीडियो बनाया ही है। 9(5) के ई कॉमर्स कौन कौन से हैं और सेक्शन 52 के ई कॉमर्स कौन से हैं। जब हम 9(5) के ई कॉमर्स से डील करते हैं तो जो लाइबिलिटी है वो 9 ई कॉमर्स की होती है जीएसटी जमा करने की। और हम जब सेक्शन 52 वाले ई कॉमर्स से डील करते हैं तो उस केस में हमारी ही जिम्मेदारी होती है और इसके लिए एडवाइजरी भी इशू हो गई है, बट तब भी काफी लोगों को कंफ्यूजन है। अब जो 9(5) के ई कॉमर्स है वो है जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर, वैसे ही booking.com, Airbnb, ये सारे होते हैं, अर्बन क्लैब, ये सब कवर होते हैं 9(5) में। और इन्हीं की जिम्मेदारी है जीएसटी जमा करने की। टर्नओवर भले ही हमारा है, सेल भले ही हमारी है, बट जो जीएसटी में जमा करने की जिम्मेदारी है वो है ई कॉमर्स की। इसके लिए एडवाइजरी भी इशू हुई थी और एडवाइजरी में क्लियर कट लिखा था कि जो 9(5) वाले ई कॉमर्स है उनको सिर्फ टेबल 14 में सेल बतानी है और बाकी अदर देन ई कॉमर्स की सेल जो है वो टेबल नंबर 4 से लेके टेबल नंबर 10 तक आप बताएंगे। कुछ कुछ लोग का क्वेश्चन है कि जो ई कॉमर्स सेल है क्या वो हम नल रेटेड में बताएं, क्यों? क्योंकि टेबल नंबर 14 में जब हम बताते हैं तो वो हमारा टर्नओवर का पार्ट नहीं बन रहा है। तो टर्नओवर का पार्ट तो वो बनेगा, ऐसे यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको समरी में ही टर्नओवर का पार्ट दिखना चाहिए। यहाँ पर जब हम नीचे टोटल देखते हैं तो 2,651,522,3 दिख रहा है। इसमें क्या है, टेबल नंबर 14 में जितने हमने सेल्स बताई है जोमेटो स्विगी की वो इंक्लूड नहीं होती है। तो क्या वो भी हमें, हम कैसे उसको शो करें? तो शो ऐसे करना है, टेबल नंबर 14 में शो करना है, वो यहाँ शो इसमें ऐड नहीं होगा क्योंकि यहाँ आपको क्या बता रहे हैं, यहाँ टोटल टर्नओवर लिखा है क्या? नो, यहाँ लिखा है टोटल लाइबिलिटी आउटवर्ड सप्लाई अदर देन रिवर्स चार्ज। टर्नओवर तो यहाँ बोला भी नहीं जा रहा है। टेबल नंबर 8 में आप बताओगे तो वो एग्जेम्प्टेड माना जाएगा। एग्जेम्प्टेड क्या ये सेल है? नहीं, प्रॉपर जो इसका डिस्क्लोजर है वो यही है, सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स में ही आपको इसको बताना है, 1,20,000 यहाँ पर जैसे जोमेटो स्विगी की है। और एचएसएन में आपको अदर देन जोमेटो की बताना है, क्यों? क्योंकि जोमेटो जोमेटो ये सेल अपनी बताएगा 1,20,000 की, वो B2B में ऐड करेगा, वो यहाँ पर B2B में ऐड करेगा, 14A में शो करेगा अगर आप रजिस्टर्ड है, या B2C में शो करेगा, और उसके बाद HSN में भी बताएगा ये जोमैटो की जिम्मेदारी है, स्विगी की जिम्मेदारी है, ना कि आपकी। तो पहला जो कंफ्यूजन है वो आप क्लियर कर लीजिए, यहाँ टोटल टर्नओवर कहीं नहीं लिखा है, इट इज टोटल लाइबिलिटी, और टोटल लाइबिलिटी इज अदर देन जोमैटो स्विगी सेल। अब इसके बाद मेरा 3B कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? तो 3B रिफ्लेक्ट करने के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ, जब आप टेबल 8 में नहीं बताएंगे, सिर्फ टेबल नंबर 14 में बताएंगे और एज यूजल आप अपनी रिटर्न भरेंगे बाकी की अदर देन ई कॉमर्स की जो टेबल नंबर 4 से लेके 10 तक बताते हैं अपन, तो आपकी जो 3B है वो करेक्टली रिफ्लेक्ट करेगी। वो है 3.1 में ऑटोमेटिकली आपका ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, जो कि आपकी लाइबिलिटी है। अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड इज लाइबिलिटी, देर इज नो सच टर्न ओवर मेंशन इन GSTR 1 एंड 3B। इसको कंफर्म करेंगे और सेव करेंगे, जब हम 3.1.1 में आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, कितना? जोमैटो स्विगी की सेल। अगेन आई एम यूजिंग, इट इज नॉट इन टर्नओवर, कहीं भी टर्नओवर नहीं लिखा है, इट इज आस्किंग टैक्सेबल सप्लाई। और फिर उसके बाद आप ITC तो ले नहीं सकते, अगर आप रेस्टोरेंट वाले हैं तो उसको आप रिवर्स कर देंगे। तो दिस इज हाउ यू हैव टू फिल GSTR 1। टेबल 8 में नहीं बताना है, टेबल 8 में अगर आपने बता दिया ना तो यहाँ पर ये शो होगा, यहाँ पर एग्जेम्प्टेड सी वाले में भी शो होगा। तो आपने 1,20,000 यहाँ पर भी बताया और 1,20,000 वहां पर भी बता रहे हैं। तो
दो जगह आपका 1,20,000 आ जाएगा, तो वो गलत प्रेजेंटेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, एचएसएन में जोमेटो स्विगी के सेल वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, अदर देन जोमेटो स्विगी, ओला उबर, अर्बन क्लैब, booking.com, Airbnb, इन सबके अलावा जो आपकी नॉर्मल वॉक इन की सेल है वो ही आप एचएसएन में भी बताएंगे और वो आपके मैच हो जाएगा, और वही आपकी लाइबिलिटी है जो कि 3.1 में रिफ्लेक्ट करेगी, और उसके बाद आप आराम से अपनी रिटर्न फाइल करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो होप आपको ये जो कंफ्यूजन है ये क्लियर हुआ होगा। प्लीज एडवाइजरी को फॉलो करें। अगर एडवाइजरी में टेबल नंबर 8 भी मेंशन होना था तो वो इस वाली एडवाइजरी में जरूर मेंशन करते हैं। उनने सेक्शन 52 के लिए स्पेसिफिकली बताया है कि आपको रिटर्न कैसे फिल करनी है। उन लोगों के लिए बताया कि आपको ना टेबल नंबर 14 में तो बताना है, साथ ही साथ आपको टेबल नंबर 4 से लेके 10 तक की टेबल में रिस्पेक्टिवली सेल्स इंक्लूड करनी है। सेक्शन 52 ई कॉमर्स के थ्रू अगर आप सेल करते हैं जो कि है अमेजोन और फ्लिपकार्ट, तो आपको नॉर्मल तरीके से रिटर्न फाइल करनी है, मतलब टेबल नंबर 4 से लेके 10 तक तो सेल बतानी है, साथ ही साथ टेबल नंबर 14 में। अगर ऐसा ही उनका इंटेंशन होता तो फिर वो टेबल नंबर 8 क्यों नहीं मेंशन करते अपने एडवाइजरी में, पहली बात। फिर दूसरी है कि जो टेबल नंबर 8 बताया था दैट वाज टेम्पररी अरेंजमेंट, क्योंकि उस टाइम GSA 1 में स्पेसिफिकली टेबल्स मेंशन नहीं थी ई कॉमर्स सेल्स के लिए, इसलिए उनने स्टॉप गैप अरेंजमेंट बताया था टेबल नंबर 8। बट अब जब स्पेसिफिक अरेंजमेंट आ चुके हैं, स्पेसिफिक टेबल्स आ चुके हैं, तो यू हैव टू शो दी सेल्स फ्रॉम ई कॉमर्स इन दोस टेबल्स ओनली। प्लीज फॉलो दी एडवाइजरी, डोंट यूज योर ब्रेन एज सच। तो होप आपको ये जो कंफ्यूजन है एक समझ आया होगा। मैंने आपको इसलिए बताया कि मैं भी यही फॉलो कर रही हूँ और ये सारे कंसल्टेंट का अपना ओपिनियन है, बट मैं आपको एडवाइजरी समझा रही हूँ। तो आप इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।